नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेसा न्यूज 10 में। चलिए बात करते हैं गंगा दशहरा की। आज गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं गंगा दशहरा के स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है, इसलिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रूट भी डायवर्ट किए गए हैं। जी, हम गुड़गांव से आए हैं गंगा दशहरा के लिए, और मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे नहाने आए गंगा जी में। अच्छा, जन्मदिन के मौके पर गंगा स्नान करने? हाँ जी। जैसे आज गंगा दशहरा का पर्व है, कैसी इसकी मान्यता है, क्या इसके बारे में जानकारी है आपको? इतना तो नहीं पता, पर ये पता है बड़ा दिन है, 10 दिन तक चलता है, आज लास्ट दिन है, कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है, बस इतना पता है। अच्छा, तो यहाँ की पैड़ी पर आकर कैसा लग रहा है, क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है गंगा माता के दर्शन करके। इतना बड़ा स्नान है गंगा दशहरा का, बहुत भीड़ भी नजर आ रही है हर की पैड़ी पे, क्या कारण है इतनी भीड़ क्यों है? ये शुभ शुभ स्नान, गंगा माता का स्नान दशहरे के लिए बहुत शुभ होता है, इसीलिए लोग आते हैं आस्था के लोगों में गंगा में स्नान करने की। मैं भी कैथल जिले से आया हूँ, डांड मंडी से, हरियाणा से आया हूँ।